सो हेलो गाइस, मैं वापस से आप लोग के लिए एक और नई वीडियो लेके आ चुका हूँ एपेक्स लेजेंड मोबाइल से रिलेटेड। तो आज हम लोग जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो आप लोग के लिए बहुत अच्छा टॉपिक है, क्योंकि जो भी नया नया अभी एपेक्स लेजेंड मोबाइल जब आएगा खेलेंगे तो उनका कोई दिक्कत ना, तो मैं तभी इस वाली वीडियो को बना रहा हूँ। तो आज मैं डिस्कस करूँगा आपसे 5 ऐसी गन्स जो बिगिनर्स आसानी से यूज़ कर सकते हैं और बहुत बढ़िया चलती हैं, तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो हम लोग ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते, हम लोग वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। मैं आपसे हर वीडियो में यही कहता हूँ कि इस वीडियो में यही कहूँगा कि प्लीज़ अगर आपको कॉन्टेंट अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पर प्रेस, तो बहुत मोटिवेशन मिलता है आपके लिए ऐसी अच्छी वीडियोज़ बनाने के लिए। तो हम लोग ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते, अब हम लोग वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो भाई लोग, हमारी लिस्ट में जो सबसे पहली गन है उसका नाम है R99। तो ये आप लोग कह सकते हो ये है ही एपेक्स लेजेंड मोबाइल की SMG है। तो ये बहुत बढ़िया गन है, क्लोज रेंज में तो आपको एकदम बीस्ट बना देगी, क्योंकि जो इसका फायर रेट है वो बहुत तगड़ा है। तो अब हम लोग इसके कुछ स्टैट्स की बात कर लेते हैं। ऊपर आप लोग फोटो देख सकते हो गन की, अब हम लोग स्टैट्स की बात करते हैं। तो स्टैट्स इसका लिखा है मैक्सिमम पर शॉट डैमेज 12, मैक्सिमम पर हेड शॉट डैमेज 18, मैक्सिमम पर बॉडी डैमेज 2 पर सेकेंड का बता रहा है 216, और मैक्सिमम पर हेड शॉट डैमेज अराउंड 300। तो आप देख सकते हैं कि ये क्लोज रेंज में कितना गजब गन चलती है, लेकिन इसका बस मेरे को एक ही फैक्टर अच्छा नहीं लगा, वो इसका रिकॉइल। ये थोड़ा रिकॉइल ज़्यादा देती है, तो आप लोगों को ध्यान देना पड़ेगा। और ये क्लोज रेंज में ही बेस्ट गन है, आप इसको मिड रेंज और लॉन्ग रेंज में अच्छे से नहीं चला पाओगे। इसका डैमेज भी आप लोगों ने देख ही लिया, इतना कुछ खास नहीं, लेकिन इसका फायर रेट की वजह से ये गन बहुत बीस बन जाती है। अब हम लोग पढ़ते हैं अपनी सेकंड गन, लेकिन मैं आपको उससे पहले आपको इसको इसकी थोड़ी क्लिप दिखा देता हूँ R99 की, ठीक है। जैसा कि आपने लोग क्लिप में देखा ही, इसका क्लोज रेंज में तो इसने बहुत बढ़िया चली, इतना रिकॉइल नहीं दिया, लेकिन जैसे ही मैं थोड़ा पीछे गया तो आप लोगों ने देखा ही रिकॉइल कितना ज़्यादा दिया R99। तो बस इसका यही एक मेन फैक्टर है कि आप इसको क्लोज रेंज में अच्छा यूज़ कर सकते हो, और इसका फायर रेट की ज़्यादा होने की वजह से बहुत बढ़िया चलती है। अब हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट गन की तरफ। तो भाई हमारी लिस्ट में जो सेकंड गन है उसका नाम है R301। ये एक असॉल्ट राइफल है, जैसे अपने पबजी में M416 होती थी, आप एपेक्स में इसकी इसको M416 समझ सकते हो। आप लोग टॉप राइट पे देख ही सकते हो, मैंने इसकी इमेज डाली हुई है, तो आप लोग समझ जाओ कौन सी गन है। तो R301 का जो मैं डैमेज की बात करूँ, तो इसका डैमेज आप स्क्रीनशॉट में देख ही पा रहे हैं, लिखा हुआ है मैक्सिमम पर शॉट डैमेज, मतलब पर शॉट अगर आपको बॉडी में पड़ता है तो 14 डैमेज होगा, अगर हेडशॉट पड़ता है तो 28 डैमेज होगा, और पर सेकंड में कितना डैमेज होगा बॉडी में वो 336, और हेडशॉट देखिए आप कितना ज़्यादा 720। तो बहुत ओवर पावर्ड गन मेरे को लगती है, क्योंकि एक तो इसके फ़ायदे क्या हैं, एक तो इसका रिकॉयल कम है, सब कुछ बैलेंस है, रिकॉयल कम है, आप मिड रेंज और कुछ क्लोज रेंज और थोड़ा बहुत लॉन्ग रेंज में भी यूज़ कर सकते हो, एंड बहुत बैलेंस्ड गन है, एकदम स्टेबल गन लगती है मेरे को ये इस गेम की। तो आपके बिगिनर्स के लिए तो ये बेस्ट गन है, अगर आपको R301 कहीं मिले तो आप ज़रूर उठाइएगा। अब मैं आपको थोड़ा इसकी क्लिप दिखाता हूँ। गाइस आप लोगों ने देखा ही ये मिड और शॉर्ट रेंज में कितना स्टेबल गन चली, रिकॉइल भी बहुत कम है इसका। तो अब हम लोग बात करते हैं अपनी नेक्स्ट गन की। तो भाई लोग, अब हम लोग की जो नेक्स्ट गन है उसका नाम है स्प्लिट फायर। तो ये एक तरह से लाइट वेट मशीन गन है, क्योंकि इसकी जो एमओ है स्टार्टिंग से 40 होती है, और अगर आप एक्सटेंडेड सब मैग लगा के अगर करोगे तो ये 60 मैक्सिमम जाती है इसकी एमओ। तो ये बहुत बढ़िया गन है, लेकिन इसका एक ही डिफॉल्ट पॉइंट है, इसका फायर रेट थोड़ा धीरे है, लेकिन ये एमओ जो यूज़ करती है वो हैवी एमओ यूज़ करती है, तो डैमेज बहुत ज़्यादा पहुँचेगा। भाई लोग, मैं अब इसकी स्टैट्स की बात करता हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट में देख ही पा रहे हैं इसके स्टैट्स लिखे हुए हैं। तो बेस डैमेज इसका 20 है, हेडशॉट डैमेज 40, लेग शॉट डैमेज 15, RPM फायर रेट 512, बहुत ज़्यादा बढ़िया है ये, और मैगजीन कैपेसिटी 35। मैंने आपको 40 बताई थी, लेकिन ये चालू 35 से होती है, मैक्सिमम जाती है एक्सटेंडेड लगा के 60। तो ये गन आपके लिए बिगिनर्स के लिए बहुत अच्छी, क्योंकि एक तो इस थोड़ी स्लो चलती है, तो इसका डैमेज इसीलिए कम है पर सेकंड, क्योंकि थोड़ी ये स्लो चलती है, और लेकिन डैमेज बहुत ज़्यादा देती है। अगर आप हेड लग गया या बॉडी भी लग गया तो आप नॉक जल्दी निकाल सकते हो। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप ये वाली गन्स ज़रूर यूज़ करें। मेरा तो फेवरेट कॉम्बो है R301 और स्प्लिट फायर, तो आप लोग ये यूज़ कर सकते हैं। अब मैं आपको इसकी थोड़ी क्लिप दिखाता हूँ। जैसा देखा ही क्लिप में, इसका रिकॉइल कंट्रोल किया जा सकता है, क्योंकि इसका फायर रेट थोड़ा स्लो है और डैमेज ज़्यादा है। अब हम लोग बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट गन की तरफ। भाई लोग, हमारी लिस्ट में जो फोर्थ नंबर पे गन आती है उसका नाम है VK47 फ्लैट लाइन।
आप लोग ऊपर उसके गन की इमेज देख पा रहे हो, बहुत खतरनाक लगती है गन, और ये एक एआर गन है। तो इसका जो फायर रेट है वो मेरे को ऐसा लगता है कि स्प्लिट फायर और R301 के फायर रेट के बीच का है, थोड़ा ठीक भी है थोड़ा नहीं भी ठीक है। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा ये गन यूज़ करने को, क्योंकि एक तो ये हैवी एमओ यूज़ करते तो डैमेज बहुत होगा और आप इसका रिकॉइल भी आराम से कंट्रोल कर सकते हो। तो अब मैं आपको इसकी स्टैट्स बताता हूँ थोड़ी। आप जैसे ही देख सकते हो उसमें डैमेज है 38, डैमेज बॉडी 19 और डैमेज लेग्स 14.25 और DPS हेड पे 300 से ऊपर है। तो आप समझ सकते हैं कितनी पावरफुल गन है। अब हम लोग मैं आपको इसकी थोड़ी सी क्लिप दिखाता हूँ। तो भाई लोग जैसा कि आप लोगों ने क्लिप में देखा है, इसका रिकॉइल उतना नहीं है, तो आप लोग कह सकते हो कि ये गन बहुत बढ़िया है। और अगर आपको R301 के साथ कोई और कॉम्बो यूज़ करना है तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा फ्लैटलाइन यूज़ करने को, बहुत बढ़िया गन है। तो अब हम लोग बढ़ते हैं अपनी आज की लास्ट गन की तरफ। तो भाई लोग आज की हमारी जो लास्ट लिस्ट में जो हमारी लास्ट गन है उसका नाम है शॉर्ट गन। और अगर लिस्ट में शॉर्ट गन ना हो तो काम कैसे बनेगा। तो ये एक बहुत ओवर पावर शॉर्ट गन है, मेरे को थोड़ा ढूंढने में टाइम लगा क्योंकि शॉर्ट गन इसमें बहुत अच्छी अच्छी है। तो मेरे को सबसे बेस्ट यही लगी तो मैंने ये कवर की है इस वीडियो में, EVA 8। तो इसका आप लोग डैमेज ही देख लो स्क्रीनशॉट में, ऊपर आपको मैंने वो भी गन का भी वो दिखाया है इमेज। तो अब इसका डैमेज है मैक्सिमम पर शॉट डैमेज 63, क्लोज रेंज की बीस्ट बना देगी अगर आप इसको सही तरह से यूज़ करते हो। मैक्सिमम पर हेड शॉट डैमेज 90, आप सोच सकते हो कितनी ओवर पावर गन है। डैमेज पर सेकंड बॉडी 126, डैमेज पर सेकंड हेडशॉट 180। तो आप लोग एक तीन से चार शॉट में शॉटगन अगर क्लोज में है आपके बंदा तो आप उसको डाउन कर सकते हो बहुत आसानी से। तो ये थी कुछ पांच गन्स जो मैं आपको बताया जो बिगिनर्स के लिए बेस्ट है। ये सिर्फ बिगिनर्स के लिए थी, नॉर्मल लोग भी ऐसे यूज़ कर सकते हैं, मैं खुद यूज़ करता हूँ। तो अब मैं तो आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में और गन्स की गाइड में। जब गेम ऑफिशियली लॉन्च हो जाएगा तब मैं और अच्छी अच्छी गन्स की गाइड बनाऊंगा। और मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के लिए, टिल देन गुड बाय। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट भी कर दीजिएगा अगर आपको मेरी थोड़ी सी भी मेहनत अच्छी लगी हो। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।